नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने पहले लाइब्रेरियन ओल्ड पेपर फर्स्ट बना दिया था। ये दूसरा वीडियो है दोस्तों, उसके अंदर 79% कर चुके थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा था, इसलिए उसमें 79% दिए थे। अब हम बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। बग क्या है? 81 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? CDS, ISIS में CD अक्षरों के प्रयोग किन के लिए किया जा गया है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है दोस्तों? 83 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा Web 2.0 उपकरण नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बने रहे, हम विभिन्न प्रकार के वीडियो डाल सकें लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित। मारक के अंतर्गत शब्दों के अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं दोस्तों? आप अपने कमेंट बॉक्स में नंबर बताएं कितने बन रहे हैं दोस्तों, कितने प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, कितने आ रहे हैं आपको। नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए 87 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 88 है। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी से संबद्ध है? 89 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तर की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ई प्रिंट क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ई शोध सिंधु क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है? 95 नंबर क्वेश्चन है, शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है? समाकलित परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी के लिए किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों इसके अंदर। फिर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषा कौन सी है दोस्तों? निम्न में से किडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? कौन सा पारंपरिक ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है दोस्तों? 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक MS-DOS बूट एडिशन एक आवश्यक फाइल है? प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? भागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे? निम्न में से अमेरिकी किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी दोस्तों? मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जन में घोषित किया था? 1681 में घोषित किया था। निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है दोस्तों? प्रश्न नंबर 107 देखिए, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत से लड़े गए थे। 108 नंबर है, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? 109 नंबर देखिए, सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा पराजित दो के होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्स्य किस भाषा में लिखी? ए तारकीन का दरवाजा स्थित है। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में बिल्कुल राइट है? 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? 116 नंबर क्वेश्चन है ये। 117 नंबर देखिए, विनायका हत्यागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित हैं? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी हैं। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोट स्थित है। 119 नंबर प्रश्न देखिए, जाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ें। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों?
123 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 एवं 1917 ईस्वी में की थी, इस संगठन का संबंध था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान में खालिस्तान के द्वारा की गई थी दोस्तों। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये दोस्तों। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। राजस्थान के धराधल्य स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन है ये। और चलते हैं हम 128 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है दोस्तों। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम बताइए। राजस्थान कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है दोस्तों। सामर झील निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में से होकर गुजरती है। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। अब चलते हैं हम 136 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अरावली की पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्यमान है, ए है कथन ए कारण आर। देखिए अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व वन्य जीवाधार भूमि परस्त की स्थलों के नाम बताइए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। 139 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट है। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। राजस्थान प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन असत्य है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं। एक नंबर, दो, तीन, चार, इनमें से आपको चुनना है। वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है दोस्तों, ये बताना है आपको। ए नंबर ऑप्शन है अंध दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, दो नंबर ऑप्शन है जल का बढ़ता हवाओं, तीन नंबर ऑप्शन है जल की बढ़ती लवणता, चार नंबर ऑप्शन है जल का बढ़ता प्रदूषण। सूची एक और दो को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको मिलाना है दोस्तों, लिप्ट नेट दे रखी है, इसमें लाभांश जो जिले हैं जिसको बेनिफिट मिल रहे हैं उनके सामने आपको मिलाना है इनको। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रमणीय चतुर्भुज परियोजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है दोस्तों, 8.42 मिलियन एकड़ फुट, 11.29 मिलियन एकड़ फुट, 15.86 मिलियन एकड़ फुट, 14.51 मिलियन एकड़ फुट, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। लास्ट फाइनल प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर दे रखे हैं दोस्तों सूची एक में खनिज, इधर देखिए दोस्तों सूची दो में खनन क्षेत्र दे रखे हैं, शीशा जस्ता तांबा है इधर, खनिज बेरिलियम लोह ऐसा खनन क्षेत्र में है, रामपुरा अगुजा
मंदसौरी, चंद्रमरी, मोरिजा, ये देखें इनको आपको मिलाने हैं। कौन सा ऑप्शन सही है एक दो और तीन चार में से, ये बताना है आपको। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।